गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि सुबह के बस टाइम ज़्यादा ही हो रखा है, 12:30 बज चुके हैं। तो आज बुधवार है, इनकी छुट्टी है, ये घर में ही है। हमारी घड़ी आधा घंटा आगे है, हमें पता भी है और हमने जान के कर रखी है कि हम उड़ते इस हिसाब से ही हैं। ये देखो गाइस, अब ये एक मिनट, ये देखो ये अब कहाँ गया। मैं कह ये देखो, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। हाँ, और गाइस ये देखो, वैसे का वैसे वही टेबल पे दोबारा बैठे हुए हैं और जैसे दवाई डाल रहे हूं। हाँ, ये दवाई डाल रहे हैं, इनको आदत है। देखो गाइस, ये वैसे ही टेबल पे ही बैठे रहते हैं। उस दिन गिरे हैं, अभी भी इनको सबक मिला है। दवाई दवाई डाल ली है मैंने। हाँ, ये दवाई डाल ली है, ड्रॉप्स, ये वही पड़ी है, ये ड्रॉप्स डाल ली है सारी इन्होंने कांच के ग्लास में। और ये डाल रहे हैं अब इसमें पानी, तो पानी डाल के सारी ड्रॉप्स फ्री नहीं होती है। कम से 100 ड्रॉप्स है। हाँ, 100 ड्रॉप्स है ये। 20-20 बूंदे, 20-20 बूंदे, 5 बोतलें, 20-20 बूंदे। इतना पानी चाहिए कम से कम, इतना पानी चाहिए। चलो अब आगे से यहाँ मत बैठो, ठीक है? अरे दवाई के लिए बैठा था, ऐसे नहीं बैठता मैं। तो पापा ने जैसे अमृतसर जाना था, मम्मा ने जैकेट लेके देनी थी, तो पापा को यही पसंद आई। हम तो डाउट में थे कि पापा ये पहनेंगे नहीं पहनेंगे, पर पापा आते ही बोलते मुझे शर्ट लेनी ही नहीं। हम तो शर्ट ले रहे थे, हाँ। तो शायद जैकेट नहीं पहनेंगे, मगर भाई साहब ने जैकेट सेम पहन रखी है, हाँ। तो देख अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे भी यही लेनी है। लाइट वेट है और गर्म भी होगी। सबसे बड़ी बात है इसमें हवा पास नहीं होती। इतनी शर्ट निकलवाई देखो पापा आपके लिए, आपको आई पसंद सबसे नीचे वाली जैकेट। मेरे मेरे शर्ट है बहुत ज्यादा शर्ट, और भी है ग्रीक कॉटराइज की, चाचू से लाए हैं, वो ग्रीन है रेड है, पहनते नहीं मैं शर्ट। चलो जैकेट ही ले ले, जैकेट ही ले, कलर ठीक है, ब्लैक, ब्लैक ठीक है। आज दोपहर को हमने लंच में बनाया है मटर, आलू और गाजर। गाजर एक ही थी तो डाल दिया, वो देखो गाजर गाइस नजर आ रही है। और पुलाव बनाए और बाकी अब तैयारी करने लगे अमृतसर जाने की। भैया आए हैं कोको और पूछी की कटिंग करने के लिए। पूछी तो बड़ी ईमानदार है और बड़ी सही है, ईमानदार ये बिल्कुल आराम से करवा देती है कटिंग। मगर कोको भैया छत पे है अभी, उसको पहले कर लो, नहला लो धुला लो, उसको छत से लेके आएंगे। वो सारा दिन छत पे रहती है, कबूतर देखती है। ये देखो ये बड़ी शरीफ है ना, ये कुछ नहीं बोलती। इसकी कटिंग हो रही है फर्स्ट क्लास। कोको नखरे करती है, हैं? कोको नखरे करती है, नहीं आ रही। पूछी की कटिंग हो चुकी है, वो बस अंदर बैठी है, उसको नहलाना है। और कोको को मैंने बिल्कुल देखो गाइस, इसके जख्म जुखम है तो मैंने बिल्कुल इसको सारा क्लीन करवा दिया है। भैया कह रहे हैं बिल्कुल आप क्लीन करा, कपड़े तो पहना नहीं है, तो बस ये मुंह के बाल है जो इसकी इसकी सेटिंग हो रही है, क्योंकि तो इनकी सारी जो शो है मुंह के बालों से ही है भैया, है ना? हाँ, शिवजू जो है बस मुंह से पहचाने जाते हैं इनकी। तो बाकी मैंने सारी पूरी की पूरी इसकी कटिंग करा दी, अब इसके सारे कपड़े आ जाएंगे तो वैसे ही पता नहीं चलेगा। नहीं, 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 नहीं। इन्होंने कोको और पूछी की कटिंग की है। अगर आप लोगों ने किसी ने कटिंग करवानी हो तो देखो, कोको की भी अच्छी हुई है, पूछी कोको की भी अच्छी हुई है देखो, और ये पूछी की है, और ये चीना है, चीना की भी कटिंग कर दो फ्री में। हाँ चलो, तो इनके जो रेट है वो भी ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी ने कटिंग करवानी हो डॉग्स की तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनका जो हाँ जो इनका टेलीफोन कॉन्टेक्ट नंबर है, क्योंकि इंस्टाग्राम ये इतना नहीं देखते हैं, तो कह रहे हैं मेरा टेलीफोन नंबर दे दो, तो मैं इनका टेलीफोन नंबर दूंगी, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किसी ने भी कोई भी ब्रीड हो, ये सबकी कटिंग कर देंगे, तो आप कॉन्टेक्ट जरूर करिए। मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं, एक बार कपड़े धुल चुके हैं, एक बार ये डबल बेड का कंबल है जो बच्चों के कमरे से उतारा है, मैला हो रखा था, तो मैंने कहा चलो ये भी धो देती हूँ, क्योंकि कल हमने सुबह 5:30 बजे निकल जाना है और कल वीरवार है, वैसे भी वीरवार मैं कपड़े नहीं धोती। ये कांजी लेके आए थे तो मुझे कहते थे कि बड़े दिन हो गए बोलते हुए कि कांजी डालनी है, कांजी डालनी है। अब ये कांजी वाली गाजर लेके आए थे तो मैंने ये कांजी डाल दी है। इसमें नमक, मिर्च और धनिया, गरम मसाला जो भी डालना चाहो, उसमें मेन राई है जो खट्टा करने का काम राई करती है, मैंने डाल दी है। अभी मैं रात को ऊपर छत पे रखाऊंगी ताकि 2-3 दिन इसको धूप लग जाएगी, 3-4 दिन धूप, 3 दिन तो हम नहीं है, 3-4 दिन इसको धूप लग जाएगी तो कांजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और एक तरफ दूध उबलना रखा हुआ है जो कि बस उबलने वाला है, और एक तरफ छोले रखे हुए हैं मैंने, ये छोले रखे हुए हैं जो कि मैं बनाने लगी हूँ। कल सुबह हम छोले लेके जाएंगे।
हम सब ने आपस में डिसाइड किया था कि क्या क्या लेके जाएंगे। रोटी तो सब अपनी अपनी लेके जाएंगे, रोटी लो चाहे परांठे बनाओ, मगर सब्जी एक एक सब बनाएगा। तो हेमा कहने लग पड़ी मैं आलू पूड़ी बना लेती हूँ। तो नाश्ते में सुबह, क्योंकि देखो हमने यहाँ से 5:30 चले जाना है, नाश्ता तो हम गाड़ी में ही करेंगे, तो वो कह रही है मैं आलू पूड़ी बना लूंगी। तो मैंने बोला कि मैं व्हाइट छोले बनाऊंगी और साथ में परांठे या रोटी जो मुझे बोलेंगे मैं बना दूंगी। और कंचन बना रही है गोभी, क्योंकि सुबह सुबह हम नाश्ता भी करेंगे और दोपहर की रोटी भी यही कर लेंगे, ताकि हम जब गाड़ी से उतरे तो किसी बच्चों को या हमें भूख ना लगी हो, हम फटाफट हमारे कमरे जो हैं वो कंचन ने बुक करा दिए हैं। तो बस हमने जाके सीधा अपने कमरों में जाना है, थोड़ा सा आराम करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। तो उसके बाद हम गुरुद्वारा साहिब जी जाएंगे, जाके पहले सबसे पहले माथा टेकेंगे, तो उसके बाद देखते हैं फिर अगला क्या प्रोग्राम बनेगा। कंचन की लड़की का फोन आया था, बड़ी वाली का, कि मासी आप स्पीकर जरूर लेके आना। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने स्पीकर भी रख लिया है, आगे आगे रख लिया। अभी मैंने कुछ भी पैक नहीं किया, कुछ भी अटैची में एक कपड़ा भी नहीं डाला। अभी रात को करते हैं, क्योंकि आज सारी रात मैं सोने वाली नहीं हूँ, अगर सो गए तो सुबह नहीं उठा जाएगा। सुबह सुबह वीरवार है, आपको पता है साईं बाबा जी का दिन है, तो मतलब कि उनकी पूजा वगैरह करने में या कपड़े वगैरह बदलो, कुछ करो, मतलब कथा करो, कुछ करो, तो टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं मतलब कि हम 5:30 निकलना है, तो हम अगर हम सो गए तो हम नहीं उठ सकते। मुझे पक्का पता है कि मैं नहीं उठ सकती, क्योंकि शरीर टूटा टूटा सा लगता है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि सारी रात अपना जागूं, अपना नहाऊं धोऊं, जो करना, अभी मेरे बालों में मैंने कलर भी करना है, अभी बस मैं कलर करने लगी हूँ, उसके बाद सिर धो लूंगी। क्योंकि अगर 12 बज गए तो उसके बाद वीरवार हो जाएगा, वीरवार को मैं बिल्कुल भी अपना सिर नहीं धोती। तो अभी फटाफट मैं कलर लगा लेती हूँ और अगले सुबह सुबह उठ के फिर पूजा कर लेंगे और जल्दी जल्दी 5:15 यहाँ से निकल ही जाएंगे। मैंने वाइट छोले बना लिए बिल्कुल गरम गरम, देखो गैस कैसे धुआं निकल रहा है। और कल्लू लाया है साथ में कुलचे, कह रहा मैं रोटी नहीं खानी, मैं कुलचे खाऊंगा। मैंने इसको छोले, ये कुलचे, इसको मक्खन के साथ सेक दिया हाँ। और प्याज और अचार, ये मैंने इसको बना दिया। गाइस देखो कटिंग करा के आया आज, और कटिंग करा के आया आज इसे नई टी शर्ट दिखा अपनी, ये चीना इसके लिए लेके आई है। देखो टी शर्ट अच्छी लग रही है ना। और आज पापा भी अपनी जैकेट लेके आए हैं काली है। हाँ बस पापा ने जरा सी पहननी है बस अमरी सर, उसके बाद तू ही पहनेगा। चलो सही है। हाँ चीना को बोल ले हाँ। चीना को बोल कि मम्मी सेक रही है हाँ। तू भी आके ले ले है। रात के 2 बजने वाले हैं, अभी तक भी मेरी पैकिंग नहीं हुई, यानी कि ऐसे ही पड़े हैं ये कपड़े, अभी तक मैं पैकिंग कर नहीं पाई। बस अभी फटाफट पैकिंग करती हूँ, अभी मैं साफ कर रही हूँ बर्तन। मैं कहा रोटी खा चुके हैं, बस बर्तन कर देते हैं और साथ में ले जाने के लिए जो रोटी बनेगी वो मैं 3 बजे बना दूँ। हाँ 3 बजे रोटी बना दूंगी, क्योंकि छोले तो बने हुए हैं, छोले अभी भी खा लिए हैं और मैंने 1/2 किलो छोले बना दिए थे। तो बाकी जो सारे छोले हैं मैं गाड़ी में ले जाऊंगी, तो वहाँ खा लेंगे, तब फुलके बना लेंगे साथ। मेरे हमारे की अच्छी पड़ी है। हाँ रात के सारे बर्तन बिल्कुल मांज दिए हैं मैंने। और ये देखो ये जो गाइस मैं लेके आई थी घी वाला, रिफाइंड वाला, कितना सुंदर लग रहा है इसके नीचे मैंने प्लेट रख दिए, ताकि नीचे नीचे घी गिरे तो गंदा ना हो फर्श। और ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा कि यहाँ से ये उतारो इसको, ये वाला, ये इसको उतारो और घी निकलता है, फिर बंद कर दो, यानी कि इसका भी डर नहीं है कि कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ है कोई इस पे चल सकता है, बिल्कुल सेफ है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस कुकर में छोले पड़े हुए हैं, जब जाएंगे गर्म कर लेंगे। साथ में गाजर शलगम का अचार भी मैंने रख लिया है। अभी आटा गूंदूंगी, आटा गूंद के फुलके बनाऊंगी। अभी ठहर के आटा गूंदूंगी, अभी तो 1:30 बज चुके हैं, अभी आटा गूंदती हूँ मैं ठहर के 10-15 मिनट बाद। रात के 3 बज गए हैं, मेरी पैकिंग बिल्कुल डन हो चुकी है, बस अब 2 घंटे बचे हैं यहाँ से निकलने को। बस अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और कोको आराम, पूछी आराम से अपना गहरी नींद में सोई हुई है, ये भी अपना खराटे ले रहे हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं और कोको भी अपनी गहरी नींद में सोई है। बस एक ये बैग लेके जा रहे हैं और एक ये हैंड बैग है, ये मैं हैंड बैग लेके जाऊंगी, इसमें दवाइयां वगैरह रख लूंगी, चलो रास्ते में कभी काम आ जाएंगी, दवाई तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो रख लूंगी सारी, चार्जर वगैरह कई चीज़ें हैं। और ये प्लेटें लेके जा रही हूँ मैं, उस दिन जन्मदिन था, मैंने मंगाई थी तो ये काफ़ी सारी पड़ी थी, तो मैं गाड़ी में काम आ जाएगी, चम्मच प्लेटें ये भी सब खाने के साथ रख लूँगी मैं। बस बाकी ये सब खेड़ा खलूड़ा है, ये सब अब चीना सारी सफाई कर देगी इसकी। एक हैंड टॉवल है, मैंने ये भी ले जाते हैं काम आता है, बड़ा टॉवल तो ये वाला रख ही लिया नहाने वाला। बस अब सारी पैकिंग डन हो चुकी है।
रोटी मैंने बना ली है, बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। ये 3:40 हो चुके हैं, बस मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं और आधे पौने घंटे बाद फिर हम दोबारा ब्लॉग शुरू करते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और थोड़ी देर बाद बस हम जाने की तैयारी कर रहे हैं।